चलिए यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, पर ये समझिए, देखो जैसे देखो ए है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दो बार लिख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ए को ए कितनी बार है, दो बार, दो बार, ठीक है, तो ये ऊपर बैठ जाएगा। इसका मतलब फिर अगर ए तीन बार होता तो ऊपर जो है तीन लग जाता। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब फिर ये भी निकल रहा है, अगर ए मान लो ऐसे ऐसे 50 बार होता तो ऊपर 50 लग जाएगा, नहीं, अरे लग जाएगा भाई, yes, है ना, yes, अगर ए ऐसे जो ऊपर 50 बार हो, ऐसे 50 बार लिखा हो गया हो, yes, तब ऊपर 50 लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, ठीक, yes, है, लगा दो, मेरा क्या जाता है, ठीक है, yes, समझ में आया, yes, तो देखो होता क्या है, जब ऐसा लिख दिया गया तो यहां से एक रूल बनता है, a मल्टीप्लाई a, इस तरह से a को चाहे आप 50 बार लिखो, चाहे 100 बार या लाख करोड़ पता नहीं, जितना मन चाहे उतनी बार लिख दो, मान लेते हम n बार लिख देते हैं, n टाइम्स लिख देते हैं, n टाइम्स लिख देते हैं, अब n का वैल्यू पता है कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसी गिनती में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जिसको लिखा जाता है उसको कहते हैं बेस, कहते हैं बेस, है ना, बेस। जिसको लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, बेस। तो ए है बेस, बेस मीन्स समझ रहे हैं ना, बेस मीन्स होता है आधार, जिसको ऐसे बार बार लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं, और जितनी बार लिखा जाता है, ध्यान देना, जैसे यहाँ एक दो बार लिखा गया है तो ऊपर दो को बैठा दिया गया, कंधे के ऊपर बैठ गया बेचारा, ये तीन बार है तो कंधे के ऊपर तीन बैठ गए, ये यहाँ 50 है तो कंधे के ऊपर कितना बैठ गया, 50, ये जो ऊपर बैठा रहता है ऊपर वाला, बताओ पावर में है कि नहीं, उसके पास पावर है कि नहीं, है भाई, भगवान के पास ऊपर कौन है, तो पंखा है, लेकिन ऊपर का मतलब समझ रहे, जो ऊपर हमारे ऊपर है यानी भगवान जी है वो क्या, तो जो ऊपर रहता है ना उसको पावर बोलते हैं, देखो गजब का निकल गया ना कौन से, जो ऊपर बैठा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ और पावर मींस कितनी टाइम, यहाँ दो टाइम है तो दो ऊपर लग गए, यहाँ तीन बार लिखा है यहाँ 50 टाइम्स है तो 50 ऊपर, n टाइम्स पता ही नहीं कितनी बार है, तो ऊपर क्या बैठा दो, n बैठा दो, यानी कि n का मतलब ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, पावर का मतलब होता है घात, ऊपर बैठा घात लगाए रहता है, हाँ कब मौका मिले चौका मार दे, समझे, समझ में आया, मींस अगर जैसे ए की पावर टू, इसको क्या बोलेंगे, ए के ऊपर दो बैठा, ये तो बोलेंगे नहीं, इसको बोलते हैं ए की पावर टू, इसको क्या बोलेंगे, ए की पावर टू या पावर टू ऑफ ए, इसको बोलेंगे ए की पावर थ्री, इसको बोलेंगे ए की पावर 50, समझ में आया, ये तुम्हारा निकल गया बढ़िया अच्छा खासा कॉन्सेप्ट, बोलो समझ में आया, यस सर। अब देखो, अब इसमें होती है कलाकारी, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक, हम लोग तो कलाकार हैं ये, है ना, अब क्या होता है, यहीं से रूल बनता है, रूल क्या बनता है, देखो रूल यही बनता है कि अगर है ना बेस सेम है और पावर अलग है, बेस जो है क्या है, जैसे देखो ए यहां भी है, ए यहां भी है, और यहाँ पावर एम है और यहाँ पर पावर एन है, तो ये चीज समझो, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग हो, चाहिए दो बार लिखा हो या जो चाहिए तीन बार लिखा हो, कुल मिलाकर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा, इससे नहीं मतलब है, तुम्हें मतलब किससे है, अगर बेस सेम है यानी कि बापू सेम है, समझ रहे ना, ठीक, अगर बेस सेम है पावर अलग है, ठीक, तब क्या होगा, जो सेम है उसको एक ही बार लिखेंगे, है ना, तो इसको एक ही बार लिख दिए, यहाँ पर भी देखो ए इसमें भी ए इसमें भी ए इसमें भी एक बार लिखेंगे, तो यहाँ भी एक बार, अगर अब तुम्हारे दिमाग में अच्छा अगर चार बार लिखा होता तो एक, तब भी एक बार लिखते,
अगर 10 बार लिखा होता तो तब भी ए को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग है पावर को, तो पावर को क्या करेंगे, मिलाकर लिख देंगे, यानी पावर को ऐड कर देंगे, तो यानी कि ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n प्लस p, मान लो और होता तो प्लस प्लस करते ऊपर बैठाते जाते, समझ में आया। ये रूल है आपका, याद रखना है ना, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, अगर बेस सेम है पावर अलग, तब क्या करते हैं पावर को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझ में आया। अब देखो ये है रूल नंबर वन है आपका, यहाँ पर ये जो है रूल नंबर वन है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, थ्री की पावर टू, ध्यान से समझो, थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री की पावर एट। अब तो दिमाग तुम्हारा लग ही जाएगा, अरे ये तो बहुत हलवा है, देखो तीन सब में है, है ना, अच्छा एक ही बार लिखेंगे, पावर अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, क्या दिक्कत, मिलाकर लिखेंगे। आ जाओ भैया, टू प्लस फोर प्लस एट, फोर टू सिक्स, एट सिक्स फोर्टीन, क्या हो जाएगा थ्री की पावर फोर्टीन। भैया यही हो गया आपका आंसर, आंसर बताओ समझ में आया। यस सर, कितना हलवा है ना, कितना आसान है एकदम से, आसान है कि नहीं, लेकिन अगर ये समझ में आएगा तब आसान है, नहीं तो कठिन है। अब यहीं पर थोड़ा सा करना है कलाकारी, है ना। देखो ये बताओ, किसी चीज को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ, ज्यादा। अगर हम कह दें फोर को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा। अरे भाई फोर टू जा एट, ज्यादा होगा ना, फोर से तो ज्यादा हो गया, लेकिन मैं कह दूं फोर को टू से डिवाइड कर दो तो आएगा, कम आएगा ना, टू टू जा फोर। तो ऐसे समझो, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तब प्लस करना और डिवाइड का फॉर्म रहेगा, जब डिवाइड के फॉर्म में हो सारा प्रोसेस वही, जब डिवाइड के फॉर्म में हो तो डिवाइड प्लस नहीं बल्कि माइनस कर देना, चूंकि मल्टीप्लाई ज्यादा होता है इसलिए मैंने पावर को प्लस किया, डिवाइड में कम होता है इसलिए पावर को क्या कर देना, माइनस करना, बस ये अगला रूल हो गया आपका, रूल नंबर टू प्रिपेयर, समझ में आया कि नहीं। यस सर, ये है आपका रूल नंबर टू, देखो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, समझ लो, यस सर, है ना, अगर बेस सेम है पावर अलग है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का मतलब ज्यादा, तो पावर को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, अगर यही प्रोसेस है बेस सेम है पावर अलग है लेकिन डिवाइड है तो डिवाइड में चीजें क्या कम होती है ना, ठीक है, तो क्या होगा माइनस, समझ में आया। yes, इस पर जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर है देखो 6 की पावर 15 और यहाँ डिवाइड है 6 की पावर 10। अब बताओ आपके लिए आसान हो गया कि नहीं, है ना, अगर यहीं पर मल्टीप्लाई होता तब तो प्लस कर देते, लेकिन है क्या, डिवाइड है, तो पावर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 6 की पावर 15 माइनस 10 आएगा 6 की पावर 5। ये हो गया आपका आंसर, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू, बताओ समझ में आया। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, समझ में आया। यस सर, चलो दो रूल आपका क्लियर। यस सर, अब यहाँ पर एक चीज और समझो, अब मान लो कोई कंधे के ऊपर एक और बैठ गया, ऐसे समझो है ना, जैसे हनुमान जी अपने दोनों कंधे पर किसको बैठाए, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को बैठाए थे। अब मान लो राम के कंधे पर सीता मैया भी आकर बैठ गई, तब क्या होगा, तब हनुमान जी के ऊपर डबल लोड हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा भार होगा कि नहीं। तो अब तीसरा रूल यहीं से बनता है कि मतलब एक लोग के कंधे पर एक लोग तो बैठे रहते हैं, एक और आकर बैठ जाते हैं, ऐसे समझो ये हो गए हनुमान जी, समझ रहे हो ना, ये हो गए राम जी, अब इनके ऊपर सीता जी भी आकर बैठ गई, मतलब जब पावर के ऊपर पावर हो, है ना, समझे, जैसे ऐसे समझो, बाप का भी तो बाप होता है, है ना, जब पावर के ऊपर पावर हो तब क्या होंगे,
उन दोनों पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उन दोनों पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस ये अगला रूल हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। बताओ कितना आसान है ना? यस सर। है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 की पावर 4 और इसकी पावर 3, अब बताओ भैया सर मल्टीप्लाई लोगे राम जी, लोगे सीता भैया, सीता भैया। क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो पावर को, यहाँ प्लस नहीं करना है। यस सर। है ना, प्लस को तब करते जब अलग अलग होंगे। यहाँ तो इंसान एक ही है, उसके ऊपर दो दो बैठे हैं, दो दो बैठे हैं तो माइनस और मल्टीप्लाई, बाहर तो ज्यादा होगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 और पावर में 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 की पावर 12। बताओ समझ में ये कैसे है, ये चीज समझ पाए कि नहीं? यस सर। तो 3 रूल कवर हुआ आपका। यस सर। है ना, पहला मल्टीप्लाई में रहेगा तब प्लस होगा पावर, प्लस होगा और डिवाइड रहेगा तब माइनस होगा, माइनस होगा। और भैया पावर के ऊपर पावर बैठा पावर हो गया तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 3 रूल बढ़िया समझ में अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बस अब ये बेसिक है, बाकी इस पर रूल और है। रूल और है का मतलब ये है, देखो पहला रूल क्लियर, दूसरा रूल क्लियर और तीसरा भी क्लियर। अब देखो किसी की पावर अगर 0 है, ध्यान से समझना, चौथा बता रहे हैं यहाँ पर, किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। अरे बच्चा गलत हो गया, याद रख लो, अब किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। यस सर, 1 होगा। अरे पाप हो गया था ना? यस सर। सही करो, पाप ना करो। सीधा याद रखो किसी भी, अब ये मतलब नहीं है कि नंबर प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, इससे नहीं मतलब, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, डजंट मैटर, पावर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। अच्छा चलो बताओ फिर, 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 7/9 मल्टीप्लाई माइनस 8 की पावर 0, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये मत देखो बीच में क्या कलाकारी हुई, पावर देखो, देखो सबकी पावर 0 है, तुम्हें ये देखना है, ये बीच वाला नंबर नहीं देखना है भाई। हमने क्या बताया, किसी भी नंबर की नंबर अपने आप में भले कितने तीरंदाज क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है, नहीं अगर है। पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, ये फिक्स है। बताओ ये फोर्थ रूल क्लियर है ना? इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर 1 हो तो इसका आंसर क्या है? 1 आएगा। नहीं, 1 तो नहीं, वही आ जाएगा, वही नंबर, सेम नंबर यानी कि ए ही आ जाएगा। किसी नंबर का पावर 1 नहीं आएगा, 1 तो तब आएगा जब पावर 0 होगा ना, दोनों में अंतर ही नहीं है क्या? है। अब जैसे मैं कह दूं 10 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, एक मिनट, हाँ बताओ 10 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 0 मत कहना। अगर मैं कह दूं 10 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी? सेम यानी कि 10 होगा, है ना? याद रखना। ठीक, 5 रूल मैंने बता दिया, देखो हंसी मजाक मजाक में 5 रूल पढ़ा दिया बढ़िया अच्छे से, जो तुमको कठिन लगता था अब इजी भी लगने लगेगा। इजी, यस सर। है ना, एक बात ही गाइस, इसको करते हैं आज के लिए 5 ही रहने दें। यस सर। ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो पचा भी नहीं पाओगे। यस सर। पचाना भी जरूरी है ना। यस सर। हाँ, 5 रोटी बहुत है। चलो देखो यहाँ पर, अगर इसको ऐसे समझो, पहला रूल तो यहाँ पर है, ठीक, अगर बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तब पावर का क्या होगा? प्लस, प्लस हो जाएगा। अगर ये 3 होगा तब भी एक ही बार लिखेंगे, सारे पावर का प्लस हो जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट में है, बेस सेम है, पावर अलग है, लेकिन बीच में क्या है? डिवाइड है, तब पावर का क्या होगा? माइनस होगा। भाई चाचा ताऊ के लड़के हैं, समझ में आ गया ना? भाई भाई है दोनों लोग, बस थोड़ा देखना ये प्लस में ये माइनस में। अब आ जाओ कंधे पर बैठा लो, है ना, अगर पावर के ऊपर पावर है तब पावर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे आप 3 की पावर 4 की पावर 3, इसको क्या बोलेंगे? 3 की पावर 4 और इसकी पावर 3, तब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 12 आ जाएगी। तीसरा क्लियर है ना? चौथा आ जाओ, अगर पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर पावर 1 है तो सेम नंबर वही, जैसे मैं कह दूं
-2/7 की पावर 1, इसका आंसर क्या होगा? सेम आएगा, 2/7 मतलब -2/7 होगा, लेकिन मैं कह दूं -2/7 की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये आपका 5 हो गया, 5 रूल। बताओ बढ़िया समझ में आया? यस सर। अच्छे से? यस सर। एकदम तैयार कर रख लिए हो ना? यस सर। चलो फिर इसे छापो, इसे लिखिए।